जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक चैप्टर हम लोग और कंप्लीट करेंगे जो ME के चैप्टर 4 होगा और GP रेटिंग के ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको बारीकी से और ध्यानपूर्वक करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन पूछा है, द टाइप ऑफ इंजन नॉर्मली यूज़ फॉर द जनरेटर। जनरेटर में 4-स्ट्रोक इंजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नंबर दो क्वेश्चन पूछा है, स्टेयरिंग गियर इज़ यूज टू टर्न टू द। स्टेयरिंग गियर क्या करता है, तो किसको टर्न करता है, तो रडार को। रडार को टर्न करेगा तभी ना पोर्ट साइड स्टारबोर्ड साइड जाएगा। नंबर तीन, व्हाट इज़ टू बी चेक्ड ऑन रनिंग बॉयलर ड्यूरिंग द वॉच। जब वॉच में रहता है, आप वॉच में रहते हैं तो बॉयलर में आप क्या चेक करेंगे, तो उसमें हम लोग वाटर लेवल हमेशा चेक करते रहेंगे। एग्जॉस्ट गैस इग्नोमाइज़र, एग्जॉस्ट गैस इग्नोमाइज़र क्या करता है, तो स्टीम, बॉयलर भी स्टीम देता है और ये भी स्टीम देता है। नंबर पाँच, द मशीन टूल यूज फॉर मेकिंग द होल इन ए प्लेट। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर एग्जॉस्ट होल कहेगा बड़ा होल तब लेथ मशीन का, और सिर्फ होल कहेगा तो उसमें आप ड्रिल मशीन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, होल कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर छः पर, केमिकल ऑन बोर्ड आर नॉट टू बी यूज फॉर द क्लीनिंग द कुकिंग यूटेंसिल्स। यानी बर्तन धोने यानी खाना बनाने वाली चीज़ों में केमिकल का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं जहाज़ में। नंबर सात, व्हाट इज़ टू बी चेक्ड और रनिंग पंप ड्यूरिंग द वॉच। एक पंप रनिंग कर रहा है तो उसमें आप क्या चेक करेंगे, तो डिस्चार्जिंग प्रेशर ऑफ लिक्विड का चेक करेंगे। नंबर आठ, द पर्पस ऑफ एग्जॉस्ट गैस इन ए डीजल इंजन। डीजल इंजन में एग्जॉस्ट गैस का क्या काम होता है, तो टार्बो टर्न टू द टार्बो चार्जर को चलाना। नंबर नौ, एग्जॉस्ट वाल्व इन द डीजल इंजन इज, ये क्या करता है, तो ओपन एंड क्लोज। जब गैस निकलेगी तो ओपन होगा और ये होगा तो क्लोज होगा। एग्जॉस्ट वाल्व इन द डीजल इंजन स्टे इन ए प्लेस, ये भी नहीं होगा, ये होगा। व्हाट मशीन टूल will be used for removing the extra material in a welding। welding करने के बाद जो extra material बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो grinding machine से rough करके हटा देते हैं। नंबर 11, for good combustion of the color of exhaust from the diesel engine should be। बोल रहा है कि अगर अच्छा condition में कोई diesel engine जल रहा है तो उसका color क्या होगा, तो वो colorless होगा, उसमें कोई color नहीं आएगा। नंबर 12, क्विक क्लोजिंग वाल्व आर इन ए फिटेड फ्यूल टैंक अबव द बॉटम टैंक के ऊपर ये फिट होता है, ठीक है। नंबर 13, व्हाट इज़ टू बी चेक्ड ऑन ए रनिंग ऑयल ट्रांसफ़र फ्रॉम पंप ड्यूरिंग द वॉच। तो उस समय हम क्या चेक करेंगे, तो लेवल इन ए टैंक में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, यही ना चेक करेंगे। द वेल्डिंग आर्क लेंथ शुड बी इक्वल द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। बहुत दफ़ा ये मैंने पढ़ा है आपको। द पर्पस ऑफ इंजेक्टर वॉल्व ऑफ ए डीजल इंजन इज फ्यूल इनलेट। फ्यूल इनलेट को क्या करता है, इंजेक्ट करता है। नंबर 16, व्हाट इज यूज इन ए केस द फायर इन ए इंजन रूम बिकॉज आउट ऑफ कंट्रोल। तो उसमें फिक्स्ड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर देंगे। नंबर 17, विच ऑफ द नॉट ए मूविंग पार्ट ऑफ ए डीजल इंजन, तो क्रैंक केस एक ही जगह पर स्थिर रहता है। नंबर 18, फ्यूल इंजेक्टर ऑन ए डीजल इंजन ऑपरेट ए प्रेशर ग्रेटर देन द कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर से ग्रेटर देन होता है। नंबर 19, ए स्टेयरिंग गियर इज लोकेटेड इन ए सेपरेट कंपार्टमेंट ऑफ ए इंजन, आफ्ट इंजन में होता है। सी प्रोपेलर इज ए फिटेड इन ए टेल शाफ्ट, टेल शाफ्ट में शिप का प्रोपेलर फिटेड। नंबर 21, ए जनरल अलार्म इज एक्टिव फ्रॉम द ब्रिज, ब्रिज से जनरल एराम को क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। नंबर 22, व्हाट इज़ टू बी चेक्ड ऑन ए रनिंग एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर जब रनिंग कर रहा है तो एयर बोतल का हम लोग टेम्परेचर चेक करेंगे कि कितना टेम्परेचर उसमें जा रहा है। नंबर 23, द पर्पस ऑफ इंडिकेटर वॉल्व ऑफ ए जनरेटर इंजन इज ब्लोइंग थ्रो, सही बात है, ब्लोइंग थ्रो के लिए यूज़ किया जाता है इंडिकेटर वॉल्व। नंबर 24, ऑन ए फाइंडिंग ए इंजर्ड पर्सन इन द इंजन रूम योर फर्स्ट एक्शन, तो कोई भी हम इंजर्ड देखेंगे तो पहले रिपोर्ट टू द ड्यूटी ऑफिसर ऑन ए वॉच। नंबर 25, द पर्पस ऑफ कूलिंग वाटर इन ए डीजल इंजन, द पर्पस ऑफ कूलिंग वाटर इन ए डीजल इंजन, कूलिंग वाटर रिमूव हीट करता है, हीट को रिमूव करता है। नंबर 26, नॉट ए पार्ट ऑफ ए फायर ट्रायंगल इलेक्ट्रिसिटी।
नंबर 27 द इमरजेंसी फायर पंप ऑन ए शिप इज लोकेटेड इन ए इमरजेंसी फायर पॉट आउटसाइड ऑफ इंजन रूम होता। नंबर 28 फंक्शन ऑफ क्रैंकस लुब्रिकेटिंग ऑयल इन ए डीजल इंजन इज रिड्यूस द फ्रैक्शन बिटवीन मूवी पार्ट कूलिंग द पार्ट एंड प्रिवेंट द कोरोजन। कोरोजन को भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नंबर 29 विच ऑफ द नॉट ए फिटेड ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ ए डीजल इंजन। तो टार्बो चार्जर सबसे ऊपर, बाकी सब सिलेंडर हेड में फिट होता है। नंबर 30 द पर्पस ऑफ रिलीफ वॉल्व ऑफ ए जनरेटर इंजन, तो सेफ्टी के लिए रिलीफ वॉल्व लगाया जाता है। नंबर 31 मेन फायर पंप इज लोकेटेड इन द इंजन रूम, इंजन रूम में मेन फायर होता है। 32 ए फायर अलार्म इन द इंजन रूम इज एक्टिव। फायर अलार्म क्या होता है, ड्यू टू फायर इन द इंजन रूम, फायर होगा इंजन रूम में तो एक्टिव हो जाएगा। नंबर 33 द लोअर मोस्ट रिंग इन ए डीजल इंजन इज कॉल्ड ऑयल स्कॉपर रिंग, याद रखिएगा बहुत दफ़ा पूछता है। नंबर 34 टार्बो चार्जर ऑफ ए डीजल इंजन इज इंक्रीज द प्रेशर ऑफ इनटेक एयर, ठीक है। नंबर 35 केमिकल शुड बी स्टोर इन सेपरेट वेल वेंटिलेटेड स्टोर में केमिकल को रखा जाता है। नंबर 36 गैसेस यूज इन ए गैस वेल्डिंग, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज होता है। नंबर 37 ए कैम शाफ्ट ऑन ए डीजल इंजन इज ऑपरेटेड, कैम शाफ्ट जो होता है वो किससे, तो फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा। फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट इन ए इंजन रूम CO2 होता है, फिक्स्ड होता है ये। नंबर 39 स्पीड ऑफ ए डीजल इंजन इज एडजस्टेड बाय द चेंजिंग द सप्लाई ऑफ फ्यूल, दोस्तों अगर कोई मिस्टेक होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नंबर 40 मींस फॉर फोर्सिंग वाटर ऑफ द पोर्टेबल फायरिंग एक्सटिंग्विशर, देखिए फायर वाटर टाइप जो फायरिंग एक्सटिंग्विशर होता है उसमें आग बुझाने का काम कौन करता है, तो उसमें CO2 कैटरेज होता है, ठीक है, वही बुझाने का काम करता है। नंबर 41 द पर्पस ऑफ ए स्टार्टिंग वॉल्व ऑफ ए जनरेटर इंजन इज, ये क्या होता है, तो स्टार्टिंग एयर के लिए होता है। नंबर 42 वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या होता है, तो फ्रैक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट में फ्रैक्शन को, रुकिए थोड़ा इसको समझ लीजिए। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग, हाँ यही होगा फंक्शन के लिए। 43 व्हेन द स्टार्टिंग वेल्ड, मैंने वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का एंगल कितना रखना चाहिए, तो 70 डिग्री पर ही मैंने आपको बताया था। 44 रिलीफ वॉल्व आर प्रोवाइड ऑफ ए मेन इंजन सिलेंडर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई प्रेशर। बिफोर स्टार्टिंग आर्क वेल्डिंग कनेक्ट द अर्थ क्लेम टू द वर्क पीस। वाइल द बॉयलर इज ऑपरेटिंग विल बी इंश्योर दैट इन ए वाटर लेवल इज मेंटेन, वाटर लेवल मेंटेन होना चाहिए। फर्स्ट एक्शन टू टेक एन बी इफ एनी केमिकल फॉल इन ए बॉडी, तो थ्रोली द वास्ट इफेक्टेड एरिया अंडर वाटर, यानी रनिंग वाटर में जहाँ आपका इफेक्ट है उसको फटाक से धोना चाहिए, उसके बाद भी कुछ करना चाहिए। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस यूज होता है गैस वेल्डिंग में, ठीक है। व्हेन द बंकरिंग इज गोइंग ऑन व्हाट टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मॉनिटर, ऑयल साउंडिंग टैंक बिंग फिल्ड, उसका साउंडिंग लाइन। एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द मेन इंजन टू बी एटमोसफियर, एग्जॉस्ट गैस बॉयलर के द्वारा मेन इंजन में जाता है, सबमिट कर दिया। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों हम लोग का कितना स्कोर आया है। वाओ 50 में 50 हम लोग का स्कोर आ गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा दूसरा जो चैनल है उसका नाम है अंसारी GS Academy, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। और दोस्तों आपको अगर नोट्स वगैरह परचेस करना है, चैनल के साथ जुड़ना है, तो व्हाट्सएप पर कॉमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।